अध्यक्ष महोदय, मैं आपको 15वीं विधानसभा में निर्विरोध निर्वाचित होने पर शुभकामनाएं और बधाई अर्पित करती हूं। इस सदन की पुरानी परंपरा रही है निर्विरोध अध्यक्ष चुनने की, इसलिए आपका दायित्व और भी बढ़ता है। इस आसन पर रामनिवास जी मिर्धा, पूनम चंद जी विश्नोई, भाबड़ा साहब, परशुराम जी मदेरना जैसे दिग्गज इस पे बैठे थे, इसलिए आपका दायित्व बहुत भी और भी गंभीर हो जाता है। अनेक माननीय सदस्यों ने अपना अनुभव आप इस सदन में और आपके साथ बिताया, उसका चर्चा करी। मैं इस सदन 15वीं विधानसभा के अंदर कागजी तारीख में मेरा परिचय यह है कि मैं पहली बार विधायक चुनकर आई, लेकिन मैं इस वेल में पहले भी आई और यह रिश्ता मेरा जन्म से तय हुआ कि 1998 के अंदर जब आप तत्कालीन सरकार में पंचायती राज मंत्री थे, स्वर्गीय परशुराम जी मदेरना अध्यक्ष थे, तो जब इसके रखरखाव और संरक्षण को देखने के लिए आते थे तब मैंने उनके साथ उनकी परछाई में दौरा किया। उनका राजनीतिक स्वर्गारोहण हो रहा था तो इसी दीर्घा में बैठकर मैं उसकी सहयात्री बनी। मैं इसकी संसदीय पद्धति और संस्कृति को बखूबी जानती हूं। परिवार की छत्र छाया से बाहर निकलकर जब मैंने जिम्मेदारी उठाई तो आपके नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य और बाद में पंचायती राज के रूप में मैंने अपना राजनीति का पहला कदम रखा और मुझे नजदीक से आपके कार्यशैली को देखने का अनुभव हुआ। और मैं बड़ी दृढ़ता से ये कह सकती हूं कि आपकी स्पष्टवादिता, आपकी योग्यता, आपकी क्षमता, आपका सटीक तरीके से अपना दृष्टिकोण रखना और अत्यंत विचारशील और अत्यंत अधिक अध्ययनशील आपका व्यक्तित्व है और आपकी स्पष्टवादिता मुझे मृग कस्तूरी सी प्रभावित करती है। मैं आशा करती हूं अनेकों पदों पर आप रहे, आप 1980 के अंदर 7वीं विधानसभा में पहली बार विधायक बनकर आए, तब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। जितना आपका अनुभव है उतनी मेरी उम्र भी नहीं हुई है। आपके ज्ञान से निश्चित रूप से ये सदन नए कीर्तिमान स्थापित करेगा और मैं कहना चाहती हूं कि जो पहली बार जीत कर इस सदन में आए हैं, हम फ्रंट फुट पर छक्के लगाने के लिए तैयार हैं। आप कृपया हमारे ऊपर अपना आसन बनाए रखें और हम छक्के लगाएंगे, फ्रंट फुट पे बैटिंग करेंगे। मैं यही कहना चाहती हूं कि जब आप पंचायती राज मंत्री थे आपने अनेकों संशोधन किए ग्राम सभा की मीटिंगों का कमिटीज के अंदर, जब आप 2008 के अंदर आपके नेतृत्व के अंदर यहां पे सरकार बनी, 15वीं विधानसभा से शायद आपका विशेष हो, 15वीं लोकसभा में आप भारत सरकार में मंत्री बने और 15वीं विधानसभा में आप अध्यक्ष बन रहे हैं, शायद 15 के आंकड़े से आपका कोई खास जुड़ाव रहा होगा, ये मैंने देखा। मैं यही आशा करती हूं कि सदन के अंदर आप अपनी जो आज उत्तेजना हुई है, जिस तरीके से मैंने 14 विधानसभा की प्रोसीडिंग्स डिबेट पढ़ी है राजस्थान की, और कटारिया साहब सही कह रहे थे कि आज ऐसे मौके पर ऐसा विवाद आज तक इस सदन में नहीं हुआ और यह आगे भी नहीं होना चाहिए। हम इसकी गरिमा को बनाए रखें, ये सारे सदस्यों का दायित्व है और मैं आशा करती हूं कि आप अपने स्थिर प्रज्ञा, स्पष्टवादिता और अनुशासन प्रिय कार्यशैली से इस 5 साल के कार्यकाल में नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।